इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है जिनका मास है यम, है ना, और उनके ऊपर हमने चार्ज रखा है क्यू। उनको हमने कुछ दूरी पे रखा हुआ है तो वो कैसे है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में यानी कि टोटल फोर्स दोनों के ऊपर जीरो है, राइट। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दो ही फोर्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से टोटल फोर्स कितना है, जीरो। हमको पूछा गया है कि क्यू बाई एम का ऑर्डर क्या है, मतलब हमको इसकी वैल्यू नहीं ढूंढनी है, बस इसकी रेंज बोलनी है कि ये किस रेंज की वैल्यू हो सकती है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दो पार्टिकल है, दोनों का मास यम है, दोनों का चार्ज क्यू है, कुछ डिस्टेंस है आर, राइट। अब सेम चार्जेस है तो पक्का रिपल करेंगे, इसका मतलब इस साइड इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना। मास दो है तो मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, तो इसका मतलब इसको ग्रेविटी पीछे खींचेगा, एफ जी। इसके ऊपर जो भी टोटल फोर्स है वो कितना है, इक्विलिब्रियम यानी कि जीरो है, तो इसका मतलब जितना रिपल हो रहा है उतना ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो होना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होने चाहिए। सेम इसके लिए भी होगा ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे लिखते हैं एफ ई इक्वल टू एफ जी। एफ ई मतलब कूलम्स फोर्स, कैसे लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, विच इज इक्वल टू, इसको अगर से लिखें तो ये आएगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों साइड का आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों के लिए आर तो सेम ही है, राइट। तो हमको ढूंढना है क्यू बाई एम का रेशियो ढूंढना है, क्लियर। तो वैल्यूज पुट करते चलेंगे के क्यू वन क्यू टू किसके बराबर, क्यू के बराबर यानी कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी इक्वल टू जी एम वन एम टू किसके बराबर, एम के बराबर यानी कि एम स्क्वायर। एक काम करते हैं, इधर का जी स्क्वायर एम स्क्वायर इस साइड लेके आते हैं, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, या फिर इनको होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई के। जी का जो ऑर्डर होता है, जी की वैल्यू वो होती है 10^-11 की, डिवाइडेड बाई के की जो ऑर्डर होती है 10^9 होता है ना। जैसे कि जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11 ऐसा होता है, के की जो वैल्यू होती है 9 × 10^9। मेरे को ये ऑर्डर की बात करना है, राइट ना। तो ये प्लस नाइन है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -9 - 11। तो क्यू बाई एम होल स्क्वायर इक्वल टू 10^-20। तो मेरे को क्यू बाई एम ढूंढना है, तो ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट आने के बाद ये होगा क्यू डिवाइडेड बाई एम विच इज इक्वल टू √10^-20। हमने पहले भी बोला है कि किसी भी पावर का रूट लेना है तो पावर इवन होना चाहिए, तो यहाँ पे इवन है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, तो क्यू बाई एम इक्वल टू 10^-10। रूट के बाहर जैसे ही पावर आएगा तो वो हाफ होके आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।